Afternoon students, we have discussed the structure of the DNA and the central dogma, difference between prokaryotic and eukaryotic DNA. Today we are going to understand the DNA packaging and what is the meaning of DNA packaging. We know when we calculate the length of DNA, it is about 2 to 3 meter long, and this is the huge length of DNA is have to packed in the small tiny cell and nucleus of the cell. तो how can it possible? तो यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. तो human DNA जो है about 2.2 meter होता है. E. coli का DNA जो है 1.36 millimeter होता है. और ये जो DNA है इतने बड़े हैं, इनकी लेंथ इतने ज़्यादा है, तो वो इतने स्मॉल स्पेस में कैसे पैक होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो पहले हम पढ़ेंगे कि DNA प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे पैक होते हैं और फिर यूकैरियोट्स में. इन प्रोकैरियोट्स में क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, तो DNA जो है साइटोप्लाज्म में लाई करता है. इट इज़ सुपर कॉइल्ड. सुपर कॉइल्ड का मतलब कॉइल्ड, रिकॉइल्ड, इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ RNA. कुछ RNA के हैं इसमें कुछ हेल्प एंड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन. कुछ बेसिक प्रोटीन इसमें जो है जो DNA को होल्ड करके रखती हैं, क्योंकि DNA पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव जो प्रोटीन है, बेसिक जो प्रोटीन है, वो हिस्टोन नहीं है, उनके स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन हाँ उनको हम पॉलीएमीन्स बोल रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर नहीं होता. अब ये जो कॉम्पैक्ट मास तैयार होता है DNA का, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. और कुछ कुछ बुक में तो आपको प्रो क्रोमोसोम भी देखने को सुनने को मिलेगा. तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ये देख सकते हो डायग्राम में, जो DNA है वो DNA यहाँ पर मीजोसोम से अटैच होता रहेगा होता है, और जो ये DNA है, ये DNA पूरा पैक होकर के बहुत सारे लूप की फॉर्म में और बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होकर के एक डेंस स्ट्रक्चर बनाता है, जो दूर से देखने में आपको माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस जैसा लगेगा, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल न्यूक्लियस. सो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, दैट मीन्स द लाइक अ न्यूक्लियस. और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड, जिसको हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोट्स में किस तरह से DNA की पैकिंग होती है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका कंसेप्ट आपको ज़रूर आना चाहिए. DNA जो होता है, अगर वो स्टेबलाइज्ड होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि DNA खुद एक नेगेटिव चार्ज केमिकल है, तो ये हमेशा हिस्टोन जो कि बेसिक प्रोटीन होती है उसी की वजह से स्टेबलाइज होता है. अब आप कहेंगे व्हाट इज़ द हिस्टोन. हिस्टोन में ये जो प्रोटीन है इसमें लाइजीन और आर्जिनिन जो रिच बेसिक प्रोटीन होती हैं उनको हम हिस्टोन बोलते हैं. तो दीज प्रोटीन्स हैव पॉजिटिव चार्ज बट DNA हैज़ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव फॉस्फेट ग्रुप. आपको पता है ना फॉस्फेट ग्रुप की वजह से DNA पर नेगेटिव चार्ज होता है. द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज न्यूक्लियोसोम, यानी कि जो DNA है वो न्यूक्लियोसोम के मतलब जैसे DNA पैक होगा तो एक बॉडी बनेगी जिसको हम न्यूक्लियोसोम बताते हैं. तो ठीक है, तो देर आर, अब वो न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है वो समझेंगे हम. ये न्यूक्लियोसोम है, ये DNA है पूरा, और ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम के थ्रू जो है पूरा DNA पैक हो रहा है. तो न्यूक्लियोसोम बनने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो 5 types की हिस्टोन प्रोटीन होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. क्लियर, 5 type की हिस्टोन प्रोटीन लगती है न्यूक्लियोसोम को बनने में, H1, H2A, H2B, H3, H4. तो इसमें से जो 4 हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, ये तो पेयर में प्रेजेंट होकर के हिस्टोन का ऑक्टोमर बनाते हैं. जैसे ये आप देख रहे हो, तो ये H2A, जैसे अब ये 4 का बन गया, इसके ठीक पीछे ही 4 का होगा. तो इस तरह से, तो ये 4 जो आप देख रहे हो H2A, H2B, H
H3 एंड H4। तो इस तरह से एक पेयर बना, तो ये एक स्ट्रक्चर होगी, उसके ठीक पीछे चार इसके तरह, तो ये टोटल हो गए 4। तो ये एक ऑक्टोमर यूनिट बनाएंगे और इसको न्यू बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो H1 प्रोटीन है वो इसको लिंक करेगा इस तरह से, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके इसके ऊपर जो है DNA रैप करेगा, ठीक है। और एक ये अब आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रक्चर बन गई है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये जो है एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली अबाउट जो है, आप कुछ भी बोलिए, जो DNA है जो पैकिंग हुई है यहाँ से और यहाँ तक, जितनी जो ये DNA पैक हुई है ये लगभग 200 बेस पेयर यानी 200 बेस पेयर DNA जो है यहाँ पर पैक हो जाता है। तो इस तरह से एक, जैसे एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर आ गए, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, तो इस तरह से पूरा DNA जो है एक थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम ये स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम तो हम ऑब्वियसली बोले रहे हैं, लेकिन इसको यही एक जो है इसी को ही हम क्रोमेटिन बोलते हैं, जो हमने छोटे क्लासेस में 9th में हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन होता है सेल के अंदर। तो यही वो क्रोमेटिन है जो आगे चल के डेंस होकर के क्रोमोसोम को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ DNA इज रैप्ड ओवर न्यू बॉडी टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो जो DNA है कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम, जैसे यहाँ पर आपने डायग्राम में देखा कि जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो DNA है, इट इज़ कॉल्ड लिंकर DNA। एंड अच्छा, इट बियर्स H1 हिस्टोन प्रोटीन, इसको प्लगिंग प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये प्लग की तरह काम कर रही है, उसको जोड़ रही है, और मेकर मार्कर प्रोटीन भी इसको कई बार बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम फाइबर अपीयर्स एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अभी आपने देखा कि ऐसे लग रहे थे जैसे जो धागे में मोती पिरोए हैं, और इट तो इसको तो ये कहती हैं इस, लेकिन ये असली में क्या है, इट इज़ क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन, कई बार बच्चों की हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती है, क्रोमेटिन किसको बोलते हैं और क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, है तो वही DNA, और लेकिन उसकी थोड़ा सा पैकेजिंग के आधार पर वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो क्रोमेटिन आप समझ गए, स्टार्टिंग वाला जो पहले वाला फाइबर है इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन, जिसमें वो न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम जो है जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद जो क्रोमेटिन फाइबर हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं इसमें जो ये न्यूक्लियोसोम होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और बहुत डेंसली कॉम्पैक्ट जो होते हैं ये पैक होते हैं, और जब ये डेंस होते हैं तो इनका जो स्टेन, जब हम इनको करते हैं तो ये डार्क स्टेन आती है इनके अंदर। और सबसे बड़ी बात और जो आपने हमेशा याद रखनी है, जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते, यानी कि इनका कभी भी कोई काम नहीं बनता, यानी कि इनसे कभी कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो mRNA नहीं बनेगा, और mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है। और जो यूकैरियोटिन है ये जल्दी इनकी आराम से जो है ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव हैं ये, और इनका रेप्लिकेशन भी बड़ी जल्दी हो जाता है, और क्योंकि ये लूजली पैक हैं, और जब ये लूजली पैक हैं तो जब DNA को स्टेन करते हैं तो यही पार्ट जो है लाइट स्टेन होता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, और जब हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बातें याद रहेंगी। अब व्हाट इज़ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अब यही क्रोमेटिन फाइबर, ये देख रहे हो आप, ये क्रोमेटिन फाइबर क्या है, कंडेंस हो करके, और इसमें तो हिस्टोन प्रोटीन लगी हुई है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन भी होती है जो इसको इस तरह से इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में लाती है। तो ये जब स्ट्रक्चर बनता है तो कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटीन भी लगती है पैकिंग में, डेंसली पैक होने में, तो उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो फिर ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। तो ये हो गया क्रोमोसोम। अब क्या होता है, ये अब मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक का कन्फ्यूज़न दूर करना चाह रही हूँ कि आपको पता हो कि क्रोमेटिड क्या होते हैं। तो क्रोमेटिड क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन आपको पता लग गया, क्रोमोसोम आपको पता लग गया, अब क्रोमेटिड क्या होते हैं।
जब सेल डिवाइड करती है तो सेल का जो क्रोमोसोम है वो जो है रेप्लिकेट करते हैं, डबल होते हैं। तो जब ये डबल होते हैं लेकिन वो अभी जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, तब उसको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी जुड़े हुए हैं लेकिन अलग नहीं हुए हैं, एक एक कॉपी बन गई है, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर मान लिया कोई दूसरा क्रोमोसोम हो और उसकी दो ऐसी क्रोमेटिड्स हों तो उनको आपस में बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये ज़्यादातर मेटाफेज में ज़्यादा आसानी से दिखाई देते हैं। तो ये था क्रोमोसोम के बारे में। इसके बाद था जो क्रोमेटिन फाइबर्स, मैंने अभी आपको बताया ही है, जब कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं तो कुछ एडिशनल प्रोटीन भी इसमें रिक्वायर होती है रैपिंग के लिए, तो उस प्रोटीन को नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं, NHC प्रोटीन। तो ये था आज का टॉपिक DNA की पैकेजिंग, और कल से हम लोग जो है जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग शुरू कर देंगे, और बस फिर हम देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है कैसे RNA है या DNA है। अगर DNA है तो DNA में प्रोटीन है, जो अभी हमने पढ़ा ना कि न्यूक्लियोसोम में प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है और DNA, तो अभी हमें ये भी क्लियर नहीं है कि जो सेल के अंदर जो जा रहा है, क्योंकि सेल में तो क्रोमोसोम का पूरा हिस्सा जाता है, पेरेंट से डॉटर में क्रोमोसोम जा रहे हैं, तो वो क्रोमोसोम में तो प्रोटीन भी जा रहा है, DNA भी जा रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि प्रोटीन ने इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है या DNA ने। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।